गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर अपना कौन सा चल रहा है? चैप्टर फोर। उसका टॉपिक आज हमारा लास्ट टॉपिक रहा है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी वॉल्यूम। ओके, तो हम वॉल्यूम में किसको किसमें मेजरमेंट करते हैं? वॉल्यूम को, वॉल्यूम की हम मेजरमेंट करते हैं क्यूबिक यूनिट, जैसे लेंथ की मीटर में, वेट की ग्राम किलोग्राम, एरिया की स्क्वायर यूनिट्स। तो इसकी हम क्यूबिक यूनिट्स में मेजरमेंट करेंगे कैपेसिटी वॉल्यूम की। ओके, इसमें हम करेंगे क्यूबिक यूनिट्स, और क्यूबिक यूनिट्स आपकी क्या रहेगी? सेम वही मीटर और सेंटीमीटर चलेगी, तो मीटर और सेंटीमीटर, लेकिन क्या क्यूबिक यूनिट्स है? क्यूबिक यूनिट्स में आपकी क्यूब, दैट मींस क्यूब का आपका कैसे फॉर्मूला होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट का फॉर्मूला होता है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट थ्री साइड्स होती है, थ्री साइड्स का फॉर्मूला चलता है ना, इसलिए आपकी थ्री यूनिट्स चलेगी साथ में। क्लियर है? जैसे हमने एरिया में किया था दो यूनिट्स, 100 × 100, अब 100 × 100 × 100 थ्री यूनिट्स चलेगी आपकी साथ में। ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू। जैसे मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन क्यूबिक है इसलिए आपका 3 × 100 हो जाएगा। ओके, तो हम 3 × 100 सेंटीमीटर करेंगे। अब आपको सिंपल सा बता कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, बट यहाँ क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक आते हैं आप क्या बोलोगे, 3 times आएगा। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 times सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा। क्यूबिक यूनिट्स है, इसलिए हम, वो स्क्वायर था हमारा एरिया, क्या ये हमारा क्या है, क्यूबिक यूनिट्स है। ओके, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा, 100 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्यूबिक यूनिट्स में मेजरमेंट होता है वॉल्यूम का। अगर आपको कह दे किसमें मेजरमेंट होता है, तो आप बोल दोगे क्यूबिक यूनिट्स में हमारा वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है। ओके, इसका हम देखते हैं, यूनिट्स कन्वर्जन देखते हैं। मैंने ये बता दिया कि 1 क्यूबिक मीटर क्या होता है, 3 times 100 लिख दोगे आप। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे करना है, क्वेश्चन हम देखिए कैसे, इस क्वेश्चन से आपको इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, ओके, 248.60 क्यूबिक मीटर कन्वर्ट इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है आपको, क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि आपको 1 क्यूबिक मीटर का क्या होता है, 3 times 100 करना है, और आपको सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, सॉरी मीटर में क्वेश्चन है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, 248.16 मल्टीप्लाई 100 × 100 या 60 लिख सकते हो, सीधा 10 lakh लिख दोगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2480, ओके, ये लिखेंगे, तो ये आप देखिए मुझे 24816। ठीक है, हमने किया डेसिमल हटाने के लिए, 2 points ये जीरो यहां लगा दी। ओके, डेसिमल हटाने के लिए हमने जीरो यहाँ लगा दिया, जब डिवाइड में आपकी जीरो है तो आप देखिए एज इट इज लिख लीजिए 248.16 10 60 लगा दिए हमने, आज इट इज यहाँ 60 लगा दिए, और 20 हमारे क्या है, 20 हमारे डिवाइड में, जो हमने पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए लगाए थे, यहाँ डिवाइड में लगाए थे। ओके, तो यहाँ 20 से 20 कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्यूबिक मीटर है, तो आपका क्यूबिक आते ही आप क्या करोगे, 100 को 3 times लिखोगे, कोई भी यूनिट्स है मीटर या सेंटीमीटर, उसको 3 times चलाओगे, मीटर की क्यूब या सेंटीमीटर की क्यूब करोगे आप। ओके, बिकॉज ये क्या है, क्यूबिक मीटर है, इसलिए एरिया का स्क्वायर यूनिट थी, तो हमने 2 times यूनिट चलाई थी साथ में, और ये हमने चलाई 3 times यूनिट साथ में चलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर में है क्यूबिक मीटर में है,
268.77 क्यूबिक मीटर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, वही सेम आपने इसको 268.77 100 × 100 × 100 अब वो में लगा देंगे 20 पॉइंट हटाने के लिए 20 लगा दिए, सिंपल सा है, लिखेंगे एज इट इज 268.77 360 है, 1 2 3 4 5 6 0 है, ठीक है 60 लिख दिया हमने एज इट इज। हमारे पास ये जो 100 था डिवाइड में उसका क्या करेंगे, 20 से 20 हमारे कट हो गए, तो हमारा आंसर इतना ही रह जाएगा। ओके ये हमारा आंसर आ गया। ओके अभी इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स क्वेश्चन आएगा, ये तो था मीटर को सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो अपने डिवाइड कर देंगे, वो अपने लिए और भी इजी रहेगा। देखिए कैसे करना है आपको, मैंने अगर आपको बोला कि आप आपको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक मीटर रीजन इज 5167.45 क्यूबिक सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू क्यूबिक मीटर, तो आप क्या करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, वही 60 वो इसको लगा दोगे इसके वो में 1 2 ये हमने मल्टीप्लाई किया था मीटर को सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे 60 तो हमारे पास वो हो गए क्योंकि 3 times मल्टीप्लाई था 100 100, तो 60 तो हमारे पास ये आ गए। अब हमारे पास क्या है 0.45 के इधर डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 points के बाद डेसिमल है, 2 number के बाद, तो हमने क्या किया यहाँ 20 और लगा दी डेसिमल हटाने के लिए। ओके हमारे पास अब देखिए यहाँ डेसिमल हट गया, अब जीरो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें अब सॉल्व आउट करना है 1 2 3 4 डिवाइड करेंगे 6 हमने नंबर एज इट इज लिख दिया, ये जो हमारे पास नंबर है ओके 0 है 8 6 तो नंबर हो गए एज इट इज लिख दिया 20 एक्स्ट्रा है, ये हमारा आंसर आ गया क्यूबिक मीटर। ये देखिए हमने क्या किया, पहले हमने किया था इसको क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो हमने मीटर का सेंटीमीटर में किया था तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हमने क्या किया डिवाइड कर दिया 3 times 100 आपका देखिए 100 × 100 × 100 ये इतना यहाँ तक हो गया, और हमने डेसिमल हटाने के लिए ये डेसिमल था ना इसको हटाने के लिए हमने 20 एक्स्ट्रा लगा दिए। अब सिंपल से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर आपका आंसर ये आ जाएगा क्यूबिक मीटर में आ गया। ओके ये आपने हमने टॉपिक क्या किया मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी वॉल्यूम का क्या किया, हमने कन्वर्जन किया क्यूबिक मीटर का सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का मीटर में। ओके हमारा ये चैप्टर क्या है डन कंप्लीट हो गया है, हमारे क्वेश्चन हमने मेजरमेंट का वेट का लेंथ का कर लिया, वेट का मेजरमेंट कर लिया, कन्वर्जन ऑफ एरिया, और लास्ट हमारा आज का टॉपिक था कन्वर्जमेंट ऑफ वॉल्यूम। ओके हमारा चैप्टर क्या कंप्लीट हो गया है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके